राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुखदान सत समान सुर लोक सब कौन सुने ऐसे। बाबा ने कहा देवी राम कथा सुर धेनु मने काम धेनु जैसे देवताओं के पास जो धेनु है उनका नाम है कामधेनु। सेवा करने मात्र से सारा सुख प्रदान करती है राम कथा, यह दिव्य कामधेनु। सत्य समाज में देवलोक में ऐसा कौन है जो इस कथा को कान पार कर श्रवण नहीं करेगा। कौन सुने देवी, आपको कदापि मोह नहीं, विमोह नहीं, संशय नहीं, भ्रम नहीं, आपकी कथा में रुचि है, आपके प्रश्न बता रहे हैं, कहने से ही बोध होता है आप क्या कहना चाहती हैं। परंतु भगवान के बारे में जो नाना विधि प्रश्न करे वो जीव उत्तम व्यवहार का नहीं। कहे सुनहि अस अधम नर ग्रसे जमोह पाखंडी हरि पद विमुख जे जानहि झूठ अज्ञ अकोविद अंध अभागी काही विषय मुकुर मन कहि तबे दय सम्मत बानी जिनके सूझ लाभ मलिन अरुणयन विहीना राम रूप देखी। मुकुर मलिन, दर्पण पर मृतिका मिट्टी लगी हो, अखिए न हो, नयन विहीना, उनको राम जी का स्वरूप क्या दिखाई पड़ेगा, अपने स्वरूप नहीं देख पा रहे हैं। राम जी की जितनी प्रशंसा है, राम जी की जितनी गरिमा है, राम जी का जितना ऐश्वर्य है, उतने राम जी की निंदा करने वाले त्रेता में भी थे, कन्हैया की निंदा करने वाले द्वापर में भी थे और कलयुग में भी उपस्थित है। ये सब अपना काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। सात्विकता का प्रचार कम होता है और तामसिक भाव का प्रचार अधिक हो जाता है। सत्य का विस्तार देर में होता है, झूठ तुरंत व्याप्त हो जाता है, उसका स्वभाव है। कारण सत्य कहने में देर लगती है और सत्य को सुनने में भी देर लगती है। कुछ कहला है का, अरे हम देर से कहते हैं तो अब सुनाई पड़ल नहीं तनि हाई समाचार, समाचार तो सुनने बंद कर दीजिए। काहे वही बेकार की बात, आजा गांजा भांग पट्टी फलाना ढिमका कुछ नहीं। सुबह सुबह सुन लीजिए तो पूरा दिन डिस्टर्ब रही, हम तो सुनते ही नहीं राधे राधे। शरीर को जितना सात्विक चेतना में आप रखेंगे उतना आनंदित रहेंगे। सात्विक भाव में अवस्थित होने का प्रयास करिए। इस शरीर को, मस्तिष्क को, पंच कोशों को डस्टबिन न बनाया जाए। आनंद में रहिए, किस में रहिए, तो जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद, इसका हैरी से सच्चाई में ढल गया उसके पापों
उससे हर घड़ी